Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, viewers. My name is Heather Ali. Welcome back to my channel, Heather Ali Official. Umeed karta hoon aap sab dost khairiyat se honge, fit fat honge, khush honge. To bhai, जैसे कि आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी जूस की नियाज, तो ये बस जो है जूस वगैरह कल परसों रात से मतलब फ्रिज में रखे हुए थे, अभी काफ़ी जो है ये चिल हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसको टप्स वगैरह में डालेंगे और इंशाल्लाह आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ नीचे रखे हुए थे, कुछ ऊपर रखे हुए थे, ये देखिए। तो बस अभी अब्दुल्ला पकड़ो, बस निकले फटाफट। Later. और जी या नज़ैन, आप भी इसके साथ हाथ लगाओ जरा। ये जो दोनों टप्स हो गए कंप्लीट, अब इंशाल्लाह जो है ना रुकते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। यार दो टब जो है, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला टब फिल हो चुके हैं, कुछ अभी ऊपर पड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो है ना कल की नियाज के साथ इंशाल्लाह बांटेंगे। कल इंशाल्लाह जो है राइस की नियाज होगी, उससे अगले दिन खीर की और फिर हलीम की, तो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। आज का जो है ना ये सिलसिला शुरू करते हैं, मौलाई से कबूल फरमाएं। पहुँच चुके हैं हम लोग ऑफिस के बाहर। ये डॉक्टर है, क्या बात है। डॉक्टर और अब्दुल्ला साथ जाएंगे हमारे आज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। ठीक ठाक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, चलें फिर। जी चलें, मैं आप और अब्दुल्ला चलते हैं। पीछे जो है ना वो दो टब हो गए और वो परसों के जो है ना फ्रिज में रख दिए थे, मेरे ख्याल से बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, वो फिर आते हैं ऑफिस बैठते हैं और कल की जो है ना नियाज की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। आज वो चिकन वगैरह कुछ चीजें लेनी है इंशाल्लाह, वो करते हैं। यही तो ऑफिस के बाहर ही जो है ना ठीक करेंगे स्टार्ट। कल खीर बनानी है, परसों चावल बिरयानी और उससे नेक्स्ट डे जो है ना लिए। ठीक है जी, तो बस अभी चलते हैं। ये अल्लाह हामिद। अच्छा जी, वहाँ से फेज थ्री से स्टार्ट करते हैं। गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, जितने मतलब जो है यूनिवर्सिटी और बैरियर टाउन के गार्ड्स हैं और मतलब जितने ये रास्ते में फेरी वाले और जितने भी लोग मतलब हैं, गर्मी के दिन हैं, तो बस करते हैं स्टार्ट। फिर भाई ये चेक पोस्ट है यूनिवर्सिटी वाली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितने गार्ड्स हैं आप? दो। चलो यहाँ से, कितने लोग काम कर रहे हो आप लोग? 10-12 बंदे। हाँ जी बिल भाई, आज मौसम तो बड़ा कमाल है यार। हाँ जी माशाल्लाह, मौसम अच्छा है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। धूप है लेकिन तपिश नहीं है उसमें, धूप में ना इतनी ज्यादा और अबस भी नहीं है, अबस नहीं है। माशाल्लाह बड़ी मजे की बारिश हुई है कल दो दिन, कल सारा दिन वो सारा दिन कंटिन्यूसली जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है बारिश हो रही थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, अब से अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल आज है खैर से मतलब 6 मुहर्रम है, ठीक है। कल 7th है और परसों 8, 9, 10 मुहर्रम की हम लोग छुट्टी करेंगे, ऑफिस क्लोज होगा। तो भाई जिस क्लाइंट ने जो है ना अपनी ट्रांसफर करवानी है या कोई सेल परचेज करनी है, आज ही रब्ता कर लो। 8, 9, 10 को हम लोग ऑफ है, छुट्टी है, तो बस इंशाल्लाह मिलेंगे फिर 10 मुहर्रम के बाद। कल हमारा लास्ट डे होगा, 7th मुहर्रम है, कल लास्ट डे होगा ऑफिस में। लंगर न्याज का सिलसिला जारी है सबीर का। हो जाओ आगे, हो जाओ। एक और ले लो कच्चे उठा लो काफी सारे। A few moments later. मेरे ख्याल से हो गया टब फिनिश हो गया। ये हटा दे, इसको आगे कर लो। चलो नबील उठा लो। चलो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है नियाज वगैरह तकसीम करके
पहुंच चुके हैं हम लोग ऑफिस, अलहमदुल्ला सारा जो है कम्प्लीट हो गया। जितने दो टब से एक बड़ा टब और एक छोटा टब लेके गए थे हम फिलहाल, तो वो कम्प्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये चाबी गाड़ी की, तो बस अभी चलते हैं ऑफिस, देखते हैं कौन कौन आया हुआ। तो जी यहाँ तो खामोशी है, नासिर मेरे ख्याल से गया हुआ किसी काम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाडी साहब, ठीक ठाक हैं? क्या कर रहे हो अकेले तुम, ठंडी हवाएं ले रहे हो अकेले अकेले हैं? चाडी साहब बैठे हुए जी अकेले, सोच रहे हैं, किसी गहरी सोच में बैठे हैं। तो बस अभी जो है ना आ गए हैं बाकी भी। चांडियो साहब को पिलाओ जूस शूस, ठंडे हों चांडियो साहब। तो बस अभी आ चुके हैं ऑफिस, तो करते हैं कुछ काम शाम थोड़ा सा, उसके बाद फिर निकलते हैं कुछ और, एक दो मीटिंग है 3 बजे के बाद एक जगह जाना है, तो बस फिर जो है आ गया जट ते छा गया जट ते जट सानू लिखान लग्या जी हलीम दा मेन्यू, हलीम दी रेसिपी। तो ये जट साहब ने जो है ना मैं हलीम की देख के मसाले मसूले लिखवा दिए। जट साहब देख लेना, सबके अपनी होती है, खराब हुई ना डाल देना, उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी ये गफार भाई ने लिखवाया है हलीम की देख के लिए। 10 किलो गोश्त, 4 किलो गंदम, 4 किलो दाल चना, 1/2 किलो दाल माश, दाल मसूर, दाल मूंग, चावल, ये क्या डाला जी, 3 पाव जो छिलके के बगैर, 3 किलो घी, 6 किलो प्याज। वो मीठी हो जाएगी देख, प्याज इतना ज्यादा नहीं डालते होते गफार भाई, 3 किलो प्याज क्यों जी है, हाँ स्वीट डिश ना बन जे। अच्छा जी 6 किलो प्याज, 1/2 किलो हरी मिर्च, पाओ लहसुन, पाओ अदरक, मसाला जात में 1.5 पाव पाओ 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 उस तो बाद 1.5 पाव पीसी हुई सुरख मिर्च, 1 पाव सूखा पिसा हुआ धनिया, 1/2 पाव जीरा, 1 पाव चाट मसाला। चाट मसाला कौन पांदा यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये लवाजमात। अच्छा लवाजमात होते हैं। अच्छा 6 किलो प्याज तो दिया, इसका क्या मंगवाया, गार्निश करना है। अच्छा जी, और इसके बाद क्या लिखना है जी, 1/2 किलो लेमन। अच्छा जी और बस पुदीना में घर से लेना, पुदीना घर से लेना, आप वैसे भी आप लोगों के अपने बाग हैं छत पे पुदीने के ज्यादा पुदीना ले आना। अच्छा जी इसके अलावा चिकन ते बस 10 किलो बोनलेस, बस ठीक हो गया, उसी के लिए ले और राइस वगैरह के लिए कल का वो भी रख लेते हैं ना मेन्यू, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। कितने चावल मिलने, चावल मेरे ख्याल से 12 किलो बने, 12 किलो के देख, हाँ 12 किलो देख में ही देख ले लेंगे ना, खुद बनानी है पक्की बात है, पक्की बात है। भाई जान देख लो रिस्क लेने लगे हैं, पहली दफा रिस्क लेने लगे हैं, देख लेना बस अल्लाह खैर ही करे। अगर आपको इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग सारे इकट्ठे मिलके कोशिश करेंगे कि पूरी अच्छी बने। बाकी ये जो जो है ना ये गंदम वाला जो काम है ना, 4 किलो गंदम वाला, ये मुझे थोड़ा सा यार कोई जी गंदम डालते हैं, उसमें गंदम डालते हैं। अच्छा छिली हुई, ओके वो आप डालेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा। चले भाई खराब हुई ना तो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, ऐसे तानों फाड़ लेना, देख लेना ठीक है। चलो बस अभी सामान हलीम का तो हो गया कंप्लीट, अभी जो है चावलों का बिरयानी का सामान लिखते हैं और बस चलते हैं तो स्टोर पे लेते हैं सामान, और इंशाल्लाह वो जो है कल वाला सुबह 8 बजे भाजन नाई साहब से पहुंच जाए नहीं नाई के नाई साहब नहीं कहना सी पकवान साहब शेफ साहब शेफ साहब शेफ साहब ठीक है जी, शेफ गफार चांडियो लेटर। हाँ जी तो भाई जान अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और अभी जा रहे हैं बैरियर टाउन वाले ऑफिस, वहाँ पे कुछ काम शाम है, काम शाम के हवाले से मीटिंग शीटिंग बातें शातें करेंगे, जाके डिस्कशन करेंगे
और आज का अल्हम्दुलिल्लाह न्याज वाला और डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला भी ख़त्म हो चुका है और अभी कल सुबह इंशाल्लाह जो है हम लोग कल क्या बना रहे हैं फागे हम खीर कल खीर बनाएंगे और परसों बिरयानी बनाएंगे तो कल फिर मेरे ख्याल से चिकन वगैरह और मसाले वगैरह कल ही ले लेंगे क्या ख्याल है मेरा तो यही ख्याल है हाँ कल ही ले लेंगे आज लेने से बेहतर है कि कल ले लेंगे वही कल लेंगे सामान और इंशाल्लाह कल जो है कल वाली न्याज बनाएंगे खुद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा गफार भाई ने मतलब मोस्टली हर दफ़ा जो है पकवान शेफ आता है और वो आके बनाता है तो इस दफ़ा गफार भाई ने कहा जी नहीं खुद ही बनानी है मैं कहा ठीक है जी तो बस इंशाल्लाह कल का और परसों का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है साथ रहिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि मेरी तमाम नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़